हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड हमने आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज को तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स के शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ जरूर बताइएगा स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट स्टार्टेड कॉमर्शियल बैकिंग यानि कि हमें इसमें से बताना है इसमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो कि जिसने कॉमर्शियल बैंकिंग स्टार्ट नहीं किया सिड बी इड बी आई सी आई एंड यू टी आई फुल फॉर्म मैं नहीं बताऊंगी मैं आपको बहुत पहले भी बता चुकी हूँ इन सबकी फुल फॉर्म्स आप सबको कॉमेंट सेक्शन में बतानी हैं इनकी फुल फॉर्म क्या होती है सिड बी इड बी आई सी आई एंड यू टी आई की मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ बहुत बेसिक है ये ठीक है अब यहाँ पर हम डायरेक्ट बात करते हैं कॉमर्शियल बैंकिंग किसने स्टार्ट नहीं की तो देखिये इड बी

वन टाइम पिन कोड तो देखिए ओ का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड यानी कि जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू या आप ए कार्ड भी बोल सकते हैं डेबिट क्रेडिट दोनों आ जाएंगे उसमें तो वहाँ पर आपको एक ओ मिलता है जिसको वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं आप उसके थ्रू उसको एंटर करके वहाँ पे अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन थ्री हमारा यहाँ पे राइट right आंसर है बहुत सिंपल है हम हर तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आप ये मत सोचिएगा कि ये तो बहुत सिंपल है ठीक है नेक्स्ट है द पावर्स ऑफ कंट्रोल द पावर्स ऑफ कंट्रोलर्स ऑफ कैपिटल इश्यूज ऑफ इंडिया इज नाउ शिफ्टेड टू यानी कि जो भी हमारे जो पावर है कैपिटल इशू की वो हमारी अब शिफ्ट हो गई है कहाँ पर शिफ्ट हो गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में से बी ए एम एफ आई मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट ऑफिस तो यहाँ पर बात की जा रही है कैपिटल इशू की आप ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए पर ये बात देखिए कैपिटल इशू हमारा कौन डील करता है इस पर कंट्रोल कौन करता है वो करता है हमारा सेबी ठीक है अब इसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए जिससे कि आपका भी रि रिविजन हो जाएगा और मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों ने यानी हमारे प्र... जो भी प्रीवियस वीडियो है वो देखी है तो आपको इन सब की फुल फॉर्म पता है ठीक है तो सेबी जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया है सेबी के पास कंट्रोल इसका जो भी कैपिटल इश्यूज से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे कोई भी प्रॉब्लम होगी उन सबका फेयर सारी चीजें हो सारी डीलिंग फेयर हो ये सारी चीज़ें देखना सा सेबी का काम है इसको कंट्रोल सेबी करती है नेक्स्ट है विच वन ऑफ दी स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अब इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही नहीं है फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मेक्स इंटेलिजेंस जो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ हैं वो हमें क्या बनाती हैं इंटेलिजेंस बनाती हैं इंटेलिजेंस होती हैं सही है एस टी सी यहाँ पे इसको ना कैपिटल कर लीजिएगा एस टी सी ठीक है एस टी सी इज द चीफ कैनलाइजिंग कैनलाइजिंग एजेंट का मतलब यहाँ पे आप चैनल कर लीजिए चैनलिंग एजेंट यानी कि जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में हेल्प करती है चैनल के थ्रू उनको सेल करवाने में तो कैनलाइजिंग एजेंट यानी कि चैनलिंग एजेंट जो आपने चैनल्स पढ़े हैं जो हेल्प करते हैं एक प्रोडक्ट को दूसरे पर्सन को सेल करवाने में वो यहाँ पर इसका मतलब वो है फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आई आई पी ओ आई आई पी ओ फ्रेंड्सो भी आप कर लीजिएगा ठीक है आई आई पी ओ ऑ ऑ ऑ ऑ ऑर्गेनाइजे स्ट्रेट फेयर्स एंड एग्जीबिशंस लेटर ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंडिकेट दैट द बैंक विल पे द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट टू डी एक्सपोर्ट अब देखिए यहां पर हमें बताना है नॉट ट्रू तो देखिए यहाँ पर हमने सीधे पकड़ लिया यहाँ पे क्या है लेटर ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंडिकेट यहाँ पे डज नॉट आ रहा है जबकि लेटर ऑफ क्रेडिट तो ये हमारा इंडिकेट ही करता है कि जो भी इम्पोर्ट की वैल्यू है वो उसको pay करेगा, exporter तो पे करेगा एक्सपोर्टर को ठीक है तो यहाँ पे डज नॉट नहीं होना चाहिए था इसलिए यहाँ पे ऑप्शन फोर हमारा क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा इसका नेक्स्ट आते हैं अब इसका जो हिंदी वर्जन है वो आप नीचे देख लीजिएगा देखिए ये है क्वेश्चन विच वन इज नॉट फाइनेंस कंपनी अब इसमें से कौन सा फाइनेंस कंपनी नहीं है जो एक वित्त कंपनी नहीं है ठीक है तो आप ये यह यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन है हायर परचेज फाइनेंस कंपनी इरडा म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी और लोन कंपनी तो देखिए यहाँ पे हायर परचेज फाइनेंस कंपनी ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी ये भी हमें फाइनेंस प्रोवाइड करती है लोन कंपनीज जो होती हैं वो भी हमें फाइनेंस देती हैं लोन के टर्म में ठीक है अब यहाँ पे इर्डा की बात आ रही है तो इर्डा कोई हमें फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करती ये एक रेगुलेटरिंग अथॉरिटी है जो की रेगुलेट करती है अब किस पर रेगुलेट करती है या आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्योंकि इससे रिलेटेड भी मैं आपको एमसीक्यू करा चुकी हूँ ये मैंने आपको बता दिया एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है रेगुलेट करती है अब किसके ऊपर रेगुलेट करती है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इर्डा कहाँ पे करती है तो आप यहां पर साफ लिखिएगा कि आप जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं वो इर्डा के बारे में लिख रहे हैं तो इर्डा जरूर वहां पर मैंशन कीजिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कार्य यहाँ पे नहीं करती है वो बताना है इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन एंश्योरिंग फेयर प्रैक्टिस बाई कंपनी प्रमोशन ऑफिशियंट सर्विसेज बाय ब्रोकर इम्प्रूविंग द अर्निंग ऑफ इक्विटी होल्डर तो देखिये यहाँ पर ये बात पूछी जा रही है कि जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेवे देखिए यहाँ पर आ गया मैं आपसे ऊपर फुल फॉर्म पूछ रही थी यहाँ पर इसका नाम आ गया ठीक है ये कौन सा फंक्शन नहीं करती तो प्रोटेक्शन की बात करें तो यस ये इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करती है जिससे कि कोई भी आ, इन्वेस्टर को किसी भी तरह का आ, कोई भी डीलिंग में प्रॉब्लम ना हो उसको प्रोटेक्ट करके चलती है ये कंपनीज की फेयर डीलिंग भी देखती है कि वो सही काम कर रहे हैं यानी इन्वेस्टर को किसी भी तरह के कोई भी एक्सप्लोटेशन तो नहीं हो रहा है इन्वेस्टर का कंपनी के द्वारा ये उसका काम होता है तो ये भी करेक्ट है नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ एफिशिएंट सर्विसेज बाय ब्रोकर्स हाँ ये भी वो चेक करती है कि जो भी ब्रोकर सर्विस दे रहे हैं वो उसको प्रमोट करती है ठीक है तो यहाँ पर नहीं पूछा है क्या नहीं करती तो यहाँ पे ऑप्शन फोर राइट आंसर हो जाएगा ये इक्विटी होल्डर्स की अर्निंग को इम्प्रूव करने का काम नहीं करती ये सब ये देखती है कि कंपनी जो भी इन्वेस्टर्स के साथ डील कर रही है वो फेयर हो रही है या नहीं उनको जो रेट प्रोवाइड की जा रही है इन्वेस्टर्स को जो भी परसेंटेज से डिविडेंड दिया जा रहा है वो टाइमली दिया जा रहा है या नहीं या फिर ब्रोकरस को किस किस तरह की प्रॉब्लम आ रही हैं डीलिंग करवाने में उन उनको प्रमोट करना उनको आ, सही से गाइडलाइंस प्रोवाइड करना जिससे कि सारी डीलिंग फेयर तरीके से हो सके ये सारा काम करती है सेवी ठीक है प्रमोट करती है इन्वेस्टर को इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करके चलती है इसका ये काम होता है इसको ये अर्निंग को इम्प्रूव करना इसका काम नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं Which one is not non -marketable securities? अब से कौन सा नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं है हमें ये बताना है ऑप्शन है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज बैंक डिपोजिट डिपॉजिट बिट कंपनीज या फिर पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट डिपॉजिट तो देखिए यहाँ पे नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज की बात की जा रही है देखिये नॉन मार्केटेबल में जो बैंक डिपॉजिट है ये भी नॉन मार्केटेबल में नहीं आती ये कौन सी है मार्केटेबल है डिपॉजिट बिट कंपनी ये भी मार्केटेबल है जबकि पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट ये भी मार्केटेबल है हमें यहाँ सॉरी यहाँ पे नॉट पूछा गया है सॉरी यहाँ पे नॉट नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज पूछा गया है जबकि ये सारी चीजें हमारी नॉन मार्केटेबल में आती हैं यहाँ पर अगर हम कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज की बात करें तो ये नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं है कैसे नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स ये जो सिक्योरिटीज़ uh, होती हैं ये कंपनी सिक्योरिटीज़ होती हैं इनके अंदर वो सारी uh, जो हम बोलते हैं फीचर्स वो इंक्लूड नहीं होते इसलिए हम इसको नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं बोल सकते अब ये किस तरह की सिक्योरिटीज होती हैं जैसे कि आप शेयर हो गया हमारा डिवेंचर हो गया कॉमर्शियल पेपर हो गया कंपनी के ये सारी चीजें हमारी कॉरपोरेट सिक्योरिटीज के अंदर आती है इसलिए नॉट नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज में हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन जो कि हमारा कॉरपोरेट सिक्योरिटीज नेक्स्ट आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इंड बैंकिंग सिस्टम अब हमें बताना है जो बैंकिंग सिस्टम सिस्टम है उसमें से कौन सा इसमें से इंस्ट्रूमेंट नहीं है क्रेडिट कंट्रोल करने का ठीक है ओपन मार्केट ऑपरेशन कैश रिजर्व रेशो टैक्स रेट या फिर ऑल ऑफ द अबब देखिये फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम ऑल ऑफ द अबब की बात करें तो ये तो बिल्कुल ही कट गया अब आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू भी कंपनी जो बैंकिंग सिस्टम होता है वो अपने क्रेडिट को कंट्रोल करके चलती है कैश रिजर्व रेशो भी आपने पढ़ा होगा कैश रिजर्व रेशो के अंदर क्या होता है वो कुछ परसेंटेज अपने जो टोटल उसके पास कैपिटल होती है उसका कुछ परसेंटेज वो यहाँ पर कैश रिजर्व के रूप में रखती है जिससे कि आगे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए इस तरह से वो क्रेडिट कंट्रोल करती है अब यहाँ पे नॉट पूछा गया है तो टैक्स रेट किसी भी तरह से हेल्प नहीं करता क्रेडिट को कंट्रोल करने में ठीक है थीके? तो यहाँ पे ऑप्शन थ्री हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ रूरल बैंक अब इसमें से कौन सा रूरल बैंक का फंक्शन नहीं है हमें ये बताना है

टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, टू लोन्स प्रोवाइड करती है टू ग्रांट एडवांटेज ये उनको भी देती है, जबकि बात करें टू सप्लाई इनपुट ऑफ फार्मर्स ये उनको इनपुट सप्लाई नहीं करती ये जो भी इनपुट उन्हें चाहिए होते हैं उसके लिए ये उनको लोन देती है लेकिन ये कभी भी उनको इनपुट डायरेक्ट नहीं देती उसके लिए वो लोन देगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन फोर जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये रूरल बैंक का काम नहीं है ऑप्शन फोर यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट है अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे उसका क्वेश्चन दिख रहा है ऑप्शन यहाँ पे मुझे नहीं लगता आपको हिंदी में चाहिए अवे फ्रॉम विच डेट है इसको भी कैपिटल कर लीजिएगा ए ठीक है ए टी एम फोर्स ऑफ कॉस्ट फॉर ट्रांजेक्शन्स uh, अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि किस डेट से सारे बैंक ने एटीएम टी एम के लिए उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर ठीक है कॉस्ट की बात की जा रही है एटीएम के कॉस्ट की ठीक है कॉस्ट उनसे लेना अब देखिए जनवरी फर्स्ट टू नाइन तो अप्रैल फर्स्ट टू नाइन जुलाई फर्स्ट टू थाउजेंड नाइन 2009 तो बात करें तो एटीएम के लिए जो कॉस्ट थी वो इन्होंने स्टार्ट कर दी अप्रैल फर्स्ट टू थाउजेंड नाइन से ठीक है सारे बैंक टू तो यहां पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट द फंड बेस्ड बिज़नेस ऑफ कॉमर्शियल बैंक अब इसमें से कौन सा फ़ंड बेस्ड बिजनेस नहीं है कॉमर्शियल का वो हमें ये बताना है डी पी ऑपरेशन लोन्स डिपॉजिट डिपॉजिटिंग बिल्स तो देखिये यहाँ पर फंड बेस्ड बिजनेस की बात करें तो देखिए आपने लोन पढ़ा है डिपॉजिट पढ़ा है डिपॉजिटिंग बिल पढ़ा है ये सारे फंड बेस्ड बिजनेस के पार्ट हैं लेकिन बात करें डीपी ऑपरेशन की तो ये यहाँ पे इसका आंसर नहीं है अब ये बात सोच आप समझ लीजिए डीपी ऑपरेशंस क्या होता है तो डीपी ऑपरेशंस ये एक तरह से जो भी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके साथ जो भी प्रोसेसिंग होती है ऑपरेशन स्टार्ट होता है बिजनेस के अंदर तो वहाँ पर उनके बीच एक किसी एक तरह से यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर लिया जाता है कि हाँ मतलब एक प्रोसेसिंग उनके साथ स्टार्ट करने के लिए उनको जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो करवा ली जाती हैं इसके अंदर जिससे कि वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स वहाँ के लीगल बन जाएं ठीक है तो उसको बोला जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कॉरपोरेशन ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन जो होगा वो हमारा वन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है In India has its as early as इंडिया में जो ओरिजन है वो कब से है वो शुरू हुआ था वैदिक पीरियड मुगल ब्रिटिश या फिर नन ऑफ दीज तो आपने देखा होगा आपने अगर बैंकिंग की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये बताया जाता है कि जो बैंकिंग है वो हाँ इंडिया में आई थी ब्रिटिश टाइम पीरियड से ब्रिटिश लेकर आए थे बैंकिंग को ठीक है तो उस टाइम पीरियड में ये हमारे बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया था तो ये हमारे इतने पुरानी है ठीक है तो ऑप्शन थ्री जो है वो हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट है द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल इज अब जो हमारा जो ट्रेजरी बिल की जो मैच्योरिटी है वो कब-कब है ये बताने हैं 91 डेज 364 डेज बोथ एंड बी या फिर None of the above तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए नाइन्टी वन डेज़ और थ्री सिक्सटी फोर ये दोनों ही मेचोरिटी डेट होती हैं ट्रेजरी बिल की पीरियड होता है तो ऑप्शन थ्री यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ को समझ लीजिए टोटल जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं फाइव टाइप के और ये ट्रेजरी बिल इंट्रोड्यूस कब हुआ था ये इंट्रोड्यूस हुआ था नाइनटीन हंड्रेड एंड एट्टी सिक्स में ठीक है कितने टाइप्स के होते हैं एक होता है फोटीन डेज़ का फिर होता है अगेन 14 डेज का लेकिन इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं ठीक है इंटरमीडिएट एक होता है नाइन्टी वन डेज़ का एक होता है वन एट्टी टू वन एट्टी टू डेज़ का और एक होता है थ्री सिक्सटी फोर डेज़ का यानी कम से कम डेज़ कितने होने चाहिए 14 और ज़्यादा से ज़्यादा थ्री सिक्सटी फोर ठीक है ट्रेज़री बिल एक साल से ज़्यादा के नहीं होते हैं ठीक है थीके? तो ये थे इसके आंसर्स ठीक है तो ये थे आज के क्वेश्चन आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं हम और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय